बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों ने अपना स्टार्टिंग जो पोजीशन वाला लेक्चर है उसे अच्छे तरीके से एक बार रिकॉल भी कर लिया होगा, और उसके अंदर अगर किसी को क्यूरीज हैं तो वो दूर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज हम जो है ड्राइव पोजीशंस पढ़ेंगे। ड्राइव पोजीशंस जो कि आपकी फंडामेंटल पोजीशंस में से आप ड्राइव करते हैं, ठीक है, बाय ऑल्ट्रेशन इन बाय ऑल्टरिंग लेग्स आर्म्स। ठीक है, तो ये हम आज ड्राइव पोजीशन जो आपका मेन टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, मैंने बिल्कुल प्रिसाइज सा एक लेक्चर बनाया, इतना लंबा उसे नहीं किया ताकि आपको क्योंकि आप मिक्स ना करें, ठीक है, उनके जो मसल वर्क हैं वो एक दूसरे में मिक्स ना करें, उनके इफेक्ट्स एंड यूजेस एक दूसरे के अंदर मिक्स ना करें। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से मैंने 2-3 इसके अंदर जो पोजीशंस हैं वो उनके मसल वर्क और उनका यूजेस और इफेक्ट्स एंड यूजेस डाले हैं। ठीक है, और अच्छा एक बात मैं आपको रिमाइंड कराती चलूँ कि ट्यूसडे को, क्योंकि आप लोगों ने अपना नहीं दिया था टेस्ट, आप लोगों ने लेक्चर्स इनकम्प्लीट तैयार किए हुए थे, तो ट्यूसडे को मैंने आप लोगों का टेस्ट रखा है। ठीक है, और मुझे ईमेल आईडीज नहीं सेंड की, हिना की मुझे मिल गई है, मुकद्दस, इमरान, बाकी मुझे किसी ने भी अपनी ईमेल आईडी सेंड नहीं की। ठीक है, और मैं अब आपको क्या हर वक्त रिक्वेस्ट ही करती रहूँ कि आप मुझे अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दें। अगर आप के जहन में है कि अगर ईमेल आईडी सेंड नहीं करेंगे तो तब जो है वो टेस्ट नहीं होगा, तो टेस्ट तब भी हो जाएगा। मुझे बहुत से वेज पता है टेस्ट लेने के। ठीक है, तो ट्यूसडे को आपका टेस्ट है, MCQs भी होंगे और SCQs भी होंगे, और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन फुल चैप्टर। ठीक है, फुल चैप्टर, फ्रेंकल एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड है उसके अंदर, और जिस तरह से मैंने पढ़ाया उसी तरह से ही मेरा टेस्ट होगा। ठीक है, जिसने मेरी वीडियो लेक्चर सुने हैं वो उसके लिए ईजी होगा, उसके लिए ईजी होगा वो टेस्ट। ठीक है, तो ट्यूसडे को आप लोगों का टेस्ट है और थर्सडे को भी आप लोगों का। मैं ड्राइव पोजीशन का है तो जितने लेक्चर्स ये होंगे और 2-3 लेक्चर्स जो भी है उसका वाइवा होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हर थर्सडे को ही मैं उसका मैं रखती हूँ, आपका जो है वाइवा होता है एक छोटा सा वाइवा जो उनसे भी आपके लेक्चर्स कंप्लीट हुए होते हैं, लेकिन क्योंकि वो तो टेस्ट आप लोगों ने थर्सडे को दिया नहीं था ना, तो इस वजह से वो मैंने रखा है ट्यूसडे को। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड ड्राइव पोजिशंस। अच्छा ठीक है, तो अगर हम देखें कि पोस्चर क्या है, पोस्चर फॉलोज द मूवमेंट लाइक अ शेडो, एवरी मूवमेंट बिगिंस इन पोस्चर एंड एंड्स इन पोस्चर। ठीक है, ये हम ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। पोस्चर फ्रॉम विच मूवमेंट इज इनिशिएटेड इज नोन ए स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, 5 फंडामेंटल पोजीशन है। अब देखें, अभी आप जिस तरह जिस पोस्चर में बैठे हुए मेरे लेक्चर सुन रहे हैं ये आपका एक पोस्चर है। अभी आप लेक्चर खत्म हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे आप। ठीक है, स्टार्ट विथ पोस्चर एंड एंड्स विथ पोस्चर। ठीक है, तो फंडामेंटल पोजीशंस है स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लाइंग, हैंगिंग। ठीक है, फंडामेंटल पोजीशंस है, और फंडामेंटल पोजीशंस में थोड़ी सी ऑल्टरेशन करके उनकी थोड़े से पैटर्न उसके अल्टर करके जो है नई पोजीशंस हम उसमें से वो ड्राइव हो जाती हैं। ठीक है, ड्राइव बेसिकली उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन है ये, अगर आप पिक्चर में देखें स्टैंडिंग पोजीशन में, अब उसने अपने जो जो बाजुओं को स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, और अपनी जो एक लेग है उसे उसने अपना स्ट्रेच किया हुआ है। तो ठीक है, ये बेसिकली फंडामेंटल स्टैंडिंग पोजीशन है, और उसके अंदर से ड्राइव पोजीशन निकाली हुई है। हो सकता है मैं ऐसे करके कोई पिक्चर्स डालूं और आपसे मैं पूछ लूं कि ये कौन सी फंडामेंटल इसमें पोजीशन है, और ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है। सो फंडामेंटल पोजीशंस, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल पोजीशन इज मेड अकॉर्डिंग टू पर्पस फॉर विच दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जाहिर बात है फंडामेंटल पोजीशंस हम ऐसे भी किसी एक्सरसाइज में तो ये नहीं कहते थे ना कि अब सिटिंग पोजीशन है तो हम इसमें करें। हम देखेंगे कि अभी फॉर एग्जांपल पेशेंट को स्टैंडिंग की जरूरत है, स्टैंडिंग पे हमने काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी सिटिंग में उसे वर्क करवाएंगे। ठीक है, सिटिंग से स्टैंडिंग में आएंगे। अब ये पहले उसका फिर ये देखना पड़ेगा कि सिटिंग में क्या वो बंदा सिटिंग के काबिल है। अगर सिटिंग के नहीं है तो जाहिर बात है फिर लाइंग में करवाएंगे, लाइंग में होगा, नीलिंग में होगा, सिटिंग, इस तरह करके ये प्रोग्रेस ये चीज करती है। ठीक है, तो इस तरह ये मैं आपसे इस तरह से भी सिनेरियो पूछ सकती हूँ कि जिस तरह आपने एक पेशेंट को स्टैंडिंग के लिए आपने तैयार करना है। ठीक है, उसे उसकी स्टैंडिंग के लिए उसकी कैपेबल करना है,
तो आप सबसे पहले कौन सी उसकी किस में उसकी जो है वो आप एक्सरसाइज उसका प्रोग्राम किस में सेट करेंगे, ठीक है? अभी वो स्टैंडिंग नहीं कर सकता पेशेंट, तो सबसे पहले आप किस में उसे सेट करेंगे, किस में आप उसे एक्सरसाइजेज उसका प्रोग्राम सेट करेंगे ताकि वो स्टैंडिंग के काबिल हो जाए, ठीक है? तो जाहिर बात है सिटिंग में होगा ना, इस तरह मैं कोई सिनेरियो चेंज करके ये चीज़ पूछ सकती हूँ। कंसंट्रेशन के साथ जो है ना मेरे लेक्चर्स को सुना करें। बेशक इस सेकेंड सेमेस्टर के लेक्चर्स वाकई में बहुत चैप्टर्स इजी हैं, लेकिन वो इजी इसलिए हैं क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ें जिन लोगों ने पढ़ ली हैं उन्हें ये चीज़ें इजी लग रही होंगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है? एक दफ़ा ये ज़रा ये ड्राइव पोजिशन और जो और आपके अब टॉपिक ज़्यादा नहीं है वो कम्प्लीट हो जाए तो मैं आपको क्लोज काइनेमेटिक और वो एक दफ़ा करवाऊंगी दोबारा, क्योंकि उनका बहुत चीज़ें यूज हो रही हैं उसके बीच में, ठीक है? सो दे मे बी क्या यूटिलाइज सपोर्ट एसेंशियल फॉर रिलैक्सेशन, ठीक है? स्टैंडिंग पोजीशन जारी बात है आपकी रिलैक्सेशन प्रमोट कर रही है, ठीक है? क्योंकि बेसिक पोजीशन है ट्रेन बैलेंस आपका बेहतर करने की, जिन पेशेंट्स का कंप्रोमाइज बैलेंस है उनको बेहतर करेंगी। अचीव एडिक्वेट फिक्सेशन व्हेन मूवमेंट इज टू बी लोकलाइज टू अ स्पेसिफिक जॉइंट, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह हमें एक जॉइंट पे मूवमेंट ठीक है एक को फिक्स करना है और दूसरे पे हमने काम करना है, ठीक है, उसके लिए भी फंडामेंटल पोजीशंस जारी बात है रिक्वायर्ड है उस वाली पोजीशन में भी, ठीक है? मेंटेन और इम्प्रूव पोस्चर और रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फंडामेंटल पोजीशन का। वो देख रहे हैं कि किस के हम कौन से मसल्स को, ये डिपेंड करता है कि हमने कौन से मसल को ट्रेन करना है और कौन सी मसल की जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना है। सो ये है फाइव बेसिक फंडामेंटल पोजीशंस। ड्राइव पोजीशंस क्या है? ड्राइव पोजीशन इज आर द पोजीशन विच आर ड्राइव फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशंस, ठीक है? विच आर ड्राइव फ्रॉम आपकी इसमें से निकली है फंडामेंटल पोजिशन में से। दिस पोजिशन इज यूज बाय मॉडिफिकेशन ऑफ आर्म्स लेग्स और ट्रंक इन ईच ऑफ द फंडामेंटल पोजिशन, ठीक है? ड्राइव पोजिशन बेसिकली यही है ना कि उन्हीं की मॉडिफिकेशन जो आपकी फंडामेंटल पोजिशन है उसी के अंदर मॉडिफिकेशन की है, तो आपकी उसमें से ड्राइव पोजिशन बेसिकली निकली है। अच्छा जी, और इनका पर्पज क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज द साइज एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है? अब देखिए स्टैंडिंग पोजीशन है, लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में जाहिर बात है अगर हम स्ट्राइड स्टैंडिंग कर लें, स्ट्राइड स्टैंडिंग तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि योर लेग्स आर अपार्ट, योर फीट आर अपार्ट, ठीक है? तो अब जाहिर बात है अब स्टैंडिंग जो सिंपल स्टैंडिंग है बेस ऑफ सपोर्ट उसमें भी है, अच्छा स्टेबल है बंदा, लेकिन अब जब अपनी टांगे खोल के खड़ा हो जाएगा तो बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी लोअर हो जाएगी, तो ठीक है, तो आपकी स्टेबिलिटी भी तो इम्प्रूव हो रही है ना, ठीक है? तो इंक्रीज और डिक्रीज द साइज एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट, अगर आपको उसे उसके लिए कम चैलेंजिंग बनाना है, ठीक है? अब मेरे सिनेरियोज इसी तरह से होते हैं, आपको पता है कि अगर आपने उसे कम चैलेंजिंग बनाना है, ज्यादा उसे पेशेंट को एफर्ट उसकी नहीं लगवानी, तो आप बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज कर देंगे, कोई इसे स्ट्राइड स्टैंडिंग कर देंगे या ऐसी पोजिशन उसे स्टैंडिंग में फॉर एग्जाम्पल बता देंगे जिसमें उसकी बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, इंक्रीज है, और अगर आपने उसे और चैलेंजिंग वर्क करवाना है तो आप उसकी बेस ऑफ सपोर्ट कम कर देंगे, ठीक है? उसे सिंपल स्टैंडिंग करवाएंगे, ऐसे होंगे, ठीक है? टू रेज और लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बात मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है? जब जाहिर बात है एक आपके फीट अपार्ट हैं, लेग्स अपार्ट हैं, आपका बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज हो गया, ठीक है? ऐसे इंश्योर मैक्सिमम लोकल और जनरल रिलैक्सेशन, ठीक है? ये भी प्रमोट करने के लिए, और यही बात जो हमने पढ़ा है कि फिक्सेशन अगर हमें एक जॉइंट पे रिक्वायर्ड है, दूसरे पे मूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो तब भी हम अपनी पोजीशन जो है उन्हें ड्राइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब विंग स्टैंडिंग है, ठीक है? विंग स्टैंडिंग में क्या है, आपने अपने जो आर्म्स हैं उन्हें अपने ये इली क्रेस्ट जो है आपकी ये इली क्रेस्ट है इनके ऊपर ऐसे फिक्स किया हुआ है, ठीक है? अब आपके कुछ जॉइंट फिक्स हैं, कुछ आपके जो है वो मूवमेंट उनमें हो सकती है, ऐसे टू अवॉइड मसल शॉर्टनिंग एंड कॉन्ट्रेक्चर्स, ठीक है? ऐसे भी हो रहे हैं ना, तो अब जाहिर बात है जैसे हम कोई पोजीशन ड्राइव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्ट्राइड स्टैंडिंग कर लिया, ठीक है? स्टैंडिंग और स्टैंडिंग थी सिंपल पहले, उसमें से हमने ड्राइव कर ली पोजीशन और वो हमने पोजीशन बना ली है स्ट्राइड स्टैंडिंग, ठीक है? फीट अपार्ट एंड लेग्स अपार्ट, उन लोगों को समझ आएगी स्ट्राइड स्टैंडिंग, स्ट्राइड सिटिंग, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स मेरे सुने हैं, वीडियो सुनी है, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ लेक्चर्स में नहीं डाली हुई थी ना, बहुत सी चीज़ें तो इंसान मुंह से अपना टीचर बोल रहा होता है आपका, तो उन लोगों का सब समझ आ जाएगी जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ।
तो अब जैसे मैं स्ट्राइट स्टैंडिंग में होंगी तो जाहिर बात है जो मेरे टांग के जो मेरी लेग के एडक्टर्स हैं वो स्ट्रेच भी तो हो रहे हैं ना, ठीक है। तो मसल की शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रेक्चर से भी इम्प्रूव हो रही, आपकी ड्राइव पोजिशन उसके लिए भी इम्प्रूव करने के लिए होती है। जॉइंट स्टिफनेस एंड आर्टिकुलर एडिशन इसके लिए भी है, अवॉइड करने के लिए। अवॉइड रेस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस एज प्रेशर अल्सर्स एंड नमूनिया, ठीक है, एंड डीवीडी। ऑल्टरिंग जैसे पोजीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट लाइन पोजीशन में ही अब हमने उसकी कोई साइड लाइन कर दी है कि वो बिल्कुल अगर सुपाइन लाइन के अंदर है लेटा हुआ, उसके पीछे कमर के ऊपर अल्सर्स बने हुए, जख्म है, वो नहीं लेट सकता। अब हमने ड्राइव पोजीशन कर दी है उसकी, एक और नई पोजीशन उसमें से निकाल दिया, क्यों? ताकि वो अल्सर्स के ऊपर से प्रेशर हट जाए, ठीक है। और डीवीडी क्या है? डी पेनस डिजीज है। इसमें आपको पता है कि आपके वेन जो है वो आपके बॉडी से जो खून है वो आपका हार्ट की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। लेकिन जब वो वेन्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, वो आपकी जो ब्लड है वो आपके हार्ट की तरफ नहीं जा रहा, वो पूल करता है आपकी लेग्स में पूल, ठीक है, मोस्टली लेग्स में ही है, लेग्स में पूल करता है और आपकी लेग्स भी ऐसे स्वेलिंग, ये है डीप वेनस डिजीज, ठीक है। वो वेन्स डैमेज हो जाती हैं और उससे जो वो वेन्स आपकी ब्लड सप्लाई ब्लड लेके जा रही है आपके हार्ट को, ठीक है, फिर हार्ट उसे दोबारा सारा उसे दोबारा पंप करता है आर्टरीज के थ्रू आपकी बॉडी में, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, पता है ना ये सब चीजें। तो सो जब वेन्स इनसुफिशेंट हो जाती हैं, वेन वो अपना काम नहीं सही तरीके से परफॉर्म कर रही, तो क्या हो जाता है, वो आपका जो जो ब्लड है वो पूल करता है लेग्स में, और इस तरह फिर आपकी रेडनेस होती है लेग्स में, फूली बहुत मोटी मोटी टांगे हुई होती हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू पूलिंग ऑफ लेग, पूलिंग ऑफ ब्लड इन लेग्स, ठीक है। सो इंक्रीज और डिक्रीज द लिवरेज, ये तो वैसे मुझे शायद एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए। कैसे? ड्राइव पोजीशन जैसे लिवरेज को इंक्रीज डिक्रीज, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि एफएट आर्म जो हमने लीवर की क्लासेस पढ़ी थी, याद है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर लीवर, ठीक है, उसके अंदर मैकेनिकल एडवांटेजेस पढ़े थे, ये उस सेंस पे बात हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज द लिवरेज, ठीक है। तो उसमें जाहिर बात है अगर आपको याद हो कि आपका एफर्ट आर्म जो ही ज्यादा एफर्ट आर्म ज्यादा होगी तो आपके जाहिर बात है कम एफर्ट लगानी पड़ेगी, एफर्ट आर्म जब ज्यादा होगी तो कम एफर्ट लगेगी ना, ठीक है। जो आपका सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर है उसको अगर जहन में लेके आए, तो ये बात है कि अगर आपको वर्क को चैलेंजिंग बनाना है, आपको ज्यादा एफर्ट लगवानी है पेशेंट से, ठीक है, तो आप लिवरेज को क्या कर देंगे, आप वो इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अगर एफर्ट आर्म ज्यादा होगी क्या हो जाएगी, आप एफर्ट आर्म ज्यादा होगी तो एफर्ट कम लगानी पड़ेगी, ठीक है, एफर्ट आर्म कम होगी तो आपको एफर्ट क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा। एफर्ट आर्म क्या है, जो आपको फलक्रम से आपकी जो एफर्ट जहां से लगा रही हैं, एफर्ट लगा रही हैं जहां से और जहां पे फलक्रम है उसका और वहां तक का डिस्टेंस इज बेसिकली एफर्ट आर्म। मुझे तो अभी तक याद है ये चीजें, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को याद होंगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको इसके अंदर। सो स्टैंडिंग पोजीशन द होल बॉडी इज सपोर्टेड। अच्छा, अब मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको जस्ट हम स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, आपकी आईज नोज आपका फेस क्या है, फ्रंट है, ठीक है, जो आपका हेड है, जो आपकी वर्टेक्स है वो क्या है, बिल्कुल आपका जो है हेड वो स्ट्रेट है, ठीक है, आपकी जो आईज नोज आपका जो फेस है वो आप फॉरवर्ड है, ठीक है, आपके शोल्डर्स आर लेवल, ठीक है, ऐसे ही है ना स्टैंडिंग पोजिशन, शोल्डर्स आर लेवल, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही था, अब वैसे हम नीचे से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हमने जहां से स्टार्टिंग पोजिशन में जब हमने फंडामेंटल पढ़ी थी हमने नीचे से देखा था आपके, ठीक है, फीट जो पैरेलल टू फ्लोर है, नीज आपके पैरेलल टू ईच अदर हैं, ठीक है, आपकी लोअर लिम पैरेलल टू ईच अदर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेल्विस के ऊपर आपके क्या है, ट्रंक बैलेंस हुआ हुआ है, ठीक है, स्पाइन आपकी बैलेंस है, ठीक है, आपके जो वो पाम्स हैं वो फेसिंग इनवर्ड हैं, ये सब चीजें याद है ना आपको, ठीक है। और एनेटमिकल पोजीशन और जो स्टैंडिंग पोजीशन है बेसिकली उसमें डिफरेंस ही ये है कि जो एनेटमिकल पोजीशन है उसके अंदर आपके पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड है, ठीक है, सुपिनेटेड है, और जो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन है उसके अंदर आपके क्या है, फेसिंग टूवर्ड्स योर बॉडी है। सो और आपको पता है कि इसके अंदर क्या है, आपकी बेस ऑफ जो बेस है स्मॉल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, ठीक है, वैसे ही स्टेबल पोजीशन है, स्टेबल पोजीशन है वैसे, लेकिन अगर बाकी हम पोजीशंस का इसका कंपैरिजन करें तो जाहिर बात है फिर लाइंग है, देन सीटिंग है, देन स्टैंडिंग है, ऐसे आता है ना। सो द आपको क्या है, आपके थॉरेक्स फ्री है, एब्डोमिनल विसराज आपके जो वेल सपोर्टेड है, ठीक है, एब्डोमिनल विसराज आपके वेल सपोर्टेड है,
और आपका यहाँ है। और अगर इस चीज़ को हम देखें, इसका मस्कुलर वो चीज़ देखें कैसे हैं आपके, जो आपको हमें इस चीज़ का पता है कि आपके जो मैंने आपको क्रॉस सिंड्रोम्स पढ़ाए थे अपर एंड लोअर, मैं उन्हें दोबारा भी रिवाइज करूंगी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हो सकता है आपके पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर की चीज़ें आ जाएं, आप उसे कभी भी नहीं कह सकते कि हमारा ये आउट ऑफ कोर्स आया, नहीं आप बिल्कुल भी नहीं ये कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि कितनी लिंक्ड है स्टैंडिंग। अब ड्राइव पोजीशन सारी कहाँ से लिंक है, स्टार्टिंग पोजीशन से, तो आपसे उस जब तक उससे लिंक है तो उसके वो आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस वजह से मैं जिस तरह से आपको दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, तो ये इंपॉर्टेंस इसी वजह आपको इसकी पता होनी चाहिए कि जो लोग मेरी क्लास नहीं ले रहे, ठीक है। क्लोज काइनेमेटिक चेन, ओपन काइनेमेटिक चेन, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें में आ गई तो आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ कोर्स है, इट्स नॉट आउट ऑफ कोर्स, ठीक है। ये आपकी सारी ये चीजें इसके अंदर है, आपके जो जो आपके लंबर के एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने आपकी कॉन्ट्रैक्ट करके उन्होंने क्या किया हुआ है, आपके स्पाइन को बेंड आगे फॉरवर्ड बेंडिंग से रोका हुआ है, ठीक है। ये वाली चीजें आपको है ना, किस तरह से आपके उन्होंने आपके लंबर के एक्सटेंसर्स ने आपकी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखा हुआ है ताकि वो आगे जो है वो बेंडिंग ना हो, क्योंकि प्रोन टू फॉरवर्ड बेंडिंग है ना आपकी बॉडी, तो वो ना हो, ठीक है। ये वाली चीजें हैं, आपका पेल्विक टिल्ट मेंटेन किया हुआ है, आपके जो हिप के एक्सटेंसर्स हैं और ट्रंक के फ्लेक्सर्स, ठीक है, वो वर्क कर रहे हैं उसे मेंटेन करने के लिए, आपके हिप के फ्लेक्सर्स एंड ट्रंक के एक्सटेंसर्स आप कोऑर्डिनेटेड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और आपके हिप के एक्सटेंसर्स एंड ट्रंक के फ्लेक्सर्स आपके कोऑर्डिनेटेड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप स्टैंडिंग पोजीशन में विंग स्टैंडिंग, लो स्टैंड, लो विंग स्टैंडिंग, बेंड स्टैंडिंग, रीच स्टैंडिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यार्ड स्टैंडिंग, स्ट्रेच स्टैंडिंग, ठीक है, इनकी पिक्चर्स ये हैं, विंग, बेंड, रीच स्टैंडिंग, स्ट्रेच स्टैंडिंग। सो विंग स्टैंडिंग अब क्या है, हैंड्स आपके क्या है, रेस्ट ऑन द इलिक सरफेस, सॉरी इलिक रेस्ट, फिंगर विच आर एक्सटेंडेड, एक्सटेंड हुई है आपकी फिंगर्स, अगर आप ये पोजीशन बनाएंगे तो एक्सटेंडेड एडक्टेड बींग इंटीरियर एंड थम्स आपके क्या है, पोस्टीरियर है, ठीक है। ये चीज ये करके देखें साथ साथ, अपने अज्यूम करें ये पोजीशन बनानी है आपने, रिस्ट आर एक्सटेंडेड फॉर फ्रिक्स, अगर आप देखें आपकी एक्सटेंडेड है, फोर आर्म आपके क्या है, प्रोनेटेड पड़े हुए हैं, मैंने क्योंकि बनाई हुई है मैं इस वजह से उसको देख के कर रही हूँ। एल्बोज आपकी फ्लेक्स्ड हैं, शोल्डर्स आपके अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, एडक्टेड हैं, एल्बोज पॉइंट स्ट्रेट साइडवेज, ठीक है। सो क्या है, हैंड रेस्ट ऑन द, अगर आपने पोजीशन बनाई है तो आपके हैंड्स क्या है, इलियक रेस्ट के ऊपर है, फिंगर्स आपकी एक्सटेंडेड है और क्या है, एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी, एडक्टेड है, ठीक है। एंटीरियर है आपके फिंगर्स और आपका थंब क्या है, पोस्टीरियर है। रटा मारने की जरूरत ही नहीं होती, रटा मारेंगे तो कभी भी ये चीज याद ही नहीं हो सकती, ये सारा कॉन्सेप्चुअल है, काइनेसोलॉजी टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, जिसके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उसके बाद आप रटा लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, वैसे आप रटा लगा के ये सब्जेक्ट ये ड्राई सब्जेक्ट है, जिसका इंटरेस्ट इसके अंदर इंगेज हो गया वो उसका ये फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब रिस्ट अगर आपने पोजीशन बनाई है, रिस्ट आपकी एक्सटेंडेड है, फोर आर्म प्रोनेटेड है, ठीक है, एल्बोज फ्लेक्स हैं, शोल्डर भी अगर आप देखें एडक्टेड हैं और एल्बोज आपकी स्ट्रेट हैं, साइड बेस है। सो मसल वर एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर, एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो, वर्क स्लाइटली टू प्रेस द हैंड्स टू द ट्रंक, ठीक है। इसकी यूजेस क्या है, पोजीशन अलाउ द फिजियोथेरेपिस्ट टू ग्रैस्प द पेशेंट अराउंड द शोल्डर ड्यूरिंग सम, ठीक है, कोई ट्रंक की एक्सरसाइज करानी है, साइड बेंडिंग करानी है, ट्रंक की रोटेशन करवानी है, तो क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट जो आपके शोल्डर के अराउंड पकड़ सकता है, ठीक है। और फिक्स पोजिशन ऑफ आर्म, देखिए फिक्स पोजिशन है इलिक क्रस्ट पे, क्योंकि और ये जो एक्स्ट्रा स्विंगिंग मोशन है ट्रंक पे उसको बेसिकली प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। जो आपकी फिक्स पोजीशन है आर्म्स की वो क्या कर रही है, स्विंगिंग ड्यूरिंग द ट्रंक एक्सरसाइज, स्विंग जाहिर बात है जो आप मूवमेंट कर रही है आपकी बॉडी हो सकता है कि स्टेप साइडवेज कर ले, फॉरवर्ड कर ले, लेकिन जो आपकी फिक्स पोजीशन है ना आर्म की वो इस चीज को रोक रही है ताकि स्विंगिंग जो मूवमेंट है वो बेसिकली ना हो आपकी ट्रंक ड्यूरिंग ट्रंक एक्सरसाइजेस। ये वही है बात जो ये मैंने डाली है, आगे पिक्चर में भी वही डाली हुई है, ठीक है, याद हो गया। दोबारा इसे एक दफा हम देख लेते हैं किस तरह से, अब जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड नहीं कर रही, किस तरह से मैं पोजीशन बनाई हुई है, मेरे जो हैंड्स हैं वो क्या है, फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स मेरी क्या है, एक्सटेंडेड है, फॉरवर्ड है, थंब मेरे पोस्टीरियर है, ठीक है, जब मैंने हैंड को इस तरह यहाँ पे रखा हुआ है अपने, ठीक है, और फिंगर्स मेरी क्या है, एक्सटेंडेड है एंड एडक्टेड है, रिस्ट एक्सटेंडेड, फोरआर्म मेरी प्रोनेटेड है, एल्बो मेरी क्या है,
स्ट्रेट है और वो साइडवेज है. सो लो स्विंग विंग स्टैंडिंग. अच्छा ठीक है. अब हैंड लो विंग स्टैंडिंग क्या है कि आपके हैंड जो है वो इलियक क्रेस्ट ऑफ इलियक जो इलियक क्रेस्ट है उसके ऊपर है, लेकिन फिंगर्स क्या है आपने फ्रंट ऑफ द हिप जॉइंट्स. ठीक है, आपके ये हिप जॉइंट के ऊपर है. रिस्ट आर क्या है, जाहिर बात है अगर आप देखें एक्सटेंडेड है करके देखेंगे, रिस्ट आपके एक्सटेंडेड है, फोर आर्म्स प्रोनेटेड है, एल्बो फिर भी फ्लेक्स्ड है, शोल्डर्स आपके एडक्टेड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉकेट में बंदा जिस तरह हाथ डालता है, वो खैर वो बिल्कुल टोटली वही पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देने के लिए कर रही हूँ. हैंड आपके इलियक क्रेस्ट में है, आपके फोर आर्म्स क्या है आपके, और जो आपके फिंगर्स हैं वो कहाँ पे, हिप जॉइंट के ऊपर आ रही है. रिस्ट एक्सटेंडेड, फोर आर्म वही पोजीशन है सारी, फोर आर्म प्रोनेटेड है, एल्बो आपके शोल्डर एडक्टेड है, एल्बो पॉइंट स्ट्रेट साइडवेज. ठीक है, एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो वर्क स्लाइटली टू प्रेस द हैंड टू द ट्रंक. और जाहिर बात है आपका हाथ इस पोजीशन में है कि आप फील कर सकते हैं इसके इफेक्ट्स एंड यूजेस क्या हैं. आप मूवमेंट फील कर रही हैं, पोजीशन ऑफ कंट्रोल है ना बेसिकली. आप फील क्या कर रही हैं, हैंड्स की मूवमेंट, आप फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट महसूस कर रहे हैं, टिल्टिंग अपनी जो पेल्विस के अंदर महसूस कर सकते हैं इस वाली पोजीशन में, लेटरल स्विंगिंग आप इसके अंदर, रोटेशन ऑफ पेल्विस, लेटरल स्विंगिंग जो इस मूवमेंट में, जो इस पोस्चर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये वाली मूवमेंट्स है. ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट एंड यूज ऑफ दिस एक्सरसाइज. एक बार मैं दोबारा हम रिकॉल करेंगे जब भी लेक्चर एंड हो जाएगा. अब बेंड स्टैंडिंग क्या है, शोल्डर्स बेंड स्टैंडिंग, शोल्डर्स आर लेटरली रोटेटेड, ठीक है, एंड एडक्टेड स्ट्रॉन्गली. क्योंकि क्लास सॉरी अजान हो रही थी तो मैंने बीच में पॉज किया है, मैं इसे दोबारा से पढ़ती हूँ. ठीक है, बेंड स्टैंडिंग आपके क्या है, ये जो पोस्चर बना हुआ है ये हम इस पे दरअसल ये वाला कर रहे हैं. ओ सॉरी, शोल्डर्स आपके क्या हैं, लेटरली रोटेटेड शोल्डर्स. अब ये वाली पोजीशन बनानी है, आप अपने हाथों को इस तरह जिस तरह ये सेकंड वाली पिक्चर में है ये वाली पोजीशन आप बनाई. ठीक है, शोल्डर्स आपने फील करें इंटरनली रोटेटेड, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल रोटेशन किस तरह हो रही है शोल्डर की और लेटरल रोटेशन कैसे हो रही है. ठीक है, इंटरनल रोटेशन आपके जो करके देखें, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन क्या है आपका, जो बिल्कुल सीधा करके हाथ नीचे लटका हुआ है. ठीक है, आपका बाजू स्विंग कर रहा है नीचे, इसमें आप इंटरनल रोटेशन करके देखें. ठीक है, और फिर आप लेटरल रोटेशन करके देखें. ठीक है, सो लेटरली रोटेटेड है, एडक्टेड है, और क्या है, एल्बोज आर फ्लेक्स्ड, फोर आर्म्स आपके क्या है, सुपिनेटेड, फोर आर्म सुपिनेटेड है. जिस तरह वो डम्बेल्स नहीं उठाते हम, और वो वाली हमारी पोजीशन बनी हुई होती है. ठीक है, फोर आर्म्स आपके सुपिनेटेड है, रिस्ट फिंगर्स आपके क्या है, फ्लेक्स टू रेस्ट अबव द लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस आप लोगों को पता है कहाँ है. ठीक है, सो आपने ये वाली पोजीशन, जिस तरह आपके हाथ में डम्बेल है, अगर आपको किसी को पता है, लड़कों को तो पता होंगे, लड़कियों को भी डम्बेल्स इस तरह हटा के जिम में जिस तरह वो एक्सरसाइज करती हैं, तो डम्बेल जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाथ में एक ग्रेस्प की हुई है कोई चीज और आप इस तरह करके उठा रही हैं, तो आपको पता है उसमें आपकी जो फोर आर्म है वो सुपिनेटेड ही है. ठीक है, शोल्डर्स लेटरली रोटेटेड है, एडक्टेड है. ठीक है, एल्बोज फ्लेक्स्ड है आपकी, फिंगर्स और एल्बोज फ्लेक्स्ड है, फोर आर्म सुपिनेटेड है आपकी, और रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्स हुई हुई है आपका लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस पे रेस्ट करने के लिए. मसल वर्क क्या है, लेटरल रोटेटर एंड एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर वर्क स्ट्रॉन्गली, रिट्रैक्टर्स एंड डिप्रेसर्स ऑफ द स्कैपुला. अगर आप ये पोजीशन परफॉर्म करके देखें, आपको अपने रिट्रैक्टर्स जो है स्कैपुला पे, उन पे सही स्ट्रेस फील होगा. ठीक है, कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उन पे टेंशन आपको फील होगी. एंड डिप्रेसर्स ये देखें करके देख रही हूँ, और ये शोल्डर के डिप्रेसर थे. ठीक है, आपको यहाँ पे दबाव महसूस होगा अपने. एंड फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बोज एंड सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म वर्क टू मेंटेन द पोजिशन ऑफ फोर आर्म. फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बो, सुपिनेटर ऑफ द फोर आर्म, सुपिनेटर ऑफ द फोर आर्म क्योंकि आपकी जो फोर आर्म है वो सुपिनेट हुई हुई है. टू मेंटेन द पोजिशन ऑफ फोर आर्म्स, फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स मे वर्क स्लाइटली. ठीक है, अब हम इसे दोबारा अपनी उसी पोजिशन को बनाकर देखें,
और जब आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपके लेटरल रोटेटर्स वर्क कर रहे हैं, आपके एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपके जब आपने इस पोजीशन को बनाकर देखें आपको फील होगा कि आपके जो स्कैपुला के रिट्रैक्टर्स हैं और जो ऊपर डिप्रेसर्स हैं स्कैपुला को डिप्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। शोल्डर डिप्रेशन एंड एलिवेशन पता है ना, जो डिप्रेसर्स हैं वो आपको फील होगा कि उनमें टेंशन फील होगी। और आपके एल्बो के फ्लेक्सेस काम करें, सुपीनेटर है आपकी आर्म, फोर आर्म सुपीनेट हुई है वो काम करें, फिंगर के फ्लेक्सेस, रिस्ट के फ्लेक्सेस ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो कुरेक्टिव पोजीशन फॉर द अपर बैक एंड द थोरेक्स इज एक्सपेंडेड, इट मे बी हेल्प ड्यूरिंग सम ट्रंक एक्सरसाइजेस टू इंटेंसिफाई देयर अफेक्ट, ठीक है, टू यूज प्रेयर टू आर्म स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। आप ट्रंक एक्सरसाइज में इसे पहले यूज करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने आर्म की स्ट्रेचिंग करनी है, लेकिन सबसे पहले आप उसके लिए क्या करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज करवाएंगे, ये वाली करवाएंगे, इससे क्या हो जाएगा वो बेहतर अगली वाली परफॉर्म होंगी। सुटेबल पोजीशन फॉर सब्जेक्ट्स विद वीकनेस ऑफ शोल्डर एबडक्टर्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर। ठीक है, जो विंग स्टैंडिंग है हम उसे रिवाइज कर रहे हैं दोबारा, है आपके लिए क्रेस्ट के ऊपर हैंड्स हैं, फिंगर्स आपकी जाहिर बात है एक्सटेंडेड है, एडक्टेड है, थम्स प्रोस्टीरियर है, रिस्ट आपके क्या है एक्सटेंडेड, फोर आर्म प्रोनेटेड, ये रटा मारने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं करके देखें और ये बिल्कुल आपको साथ साथ याद हो जाएगा। एल्बोज आपकी साइडवेज स्ट्रेट है, साइडवेज होंगे, ठीक है। लो विंग स्टैंडिंग में क्या है, बाकी सब चीजें वही है, लेकिन आपका हैंड क्रेस्ट इलियक क्रेस्ट के ऊपर है, फिंगर्स कहाँ पे आपकी अक्रॉस द फ्रंट ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है, वही रिप्स रिस्ट एक्सटेंडेड है, फोर आर्म्स आपकी क्या है प्रोनेटेड है, एल्बोज एंड शोल्डर्स आपके क्या है एडक्टेड है, ठीक है। और ये कब, ये आपकी जाहिरी बात है जो ये पोजीशन है आप उसके अंदर टिल्टिंग मूवमेंट महसूस कर सकते हैं, आपकी हिप की फ्लेक्शन, लेटरल स्विंग, आप लेटरल रोटेशन ऑफ पेल्विस, ये आप सब चीजें फील कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में। बेंडिंग में आप ठीक है, शोल्डर्स लेटरली रोटेटेड एडक्टेड है स्ट्रांगली, एल्बोज करके देखें, एल्बोज फ्लेक्स है, फोर आर्म आपके क्या है सुपीनेटेड, रिस्ट एंड फिंगर्स आपकी फ्लेक्सड है टू रेस्ट अबव द लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, और ये मसल वर्क है, ठीक है, और दिस इज द यूज ऑफ बैंड स्टैंडिंग। सो थैंक यू, और ट्यूजडे को आप लोगों का टेस्ट है और अच्छी सी प्रिपेयर करके, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, और आप लोगों का वो टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। थैंक यू।